हेलो एवरीवन, दिस इज तौहीद शकील। आज इस वीडियो में हम दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट पे बात करेंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है कि इस साल के एंड में दे विल पुट वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट ऑन अर्थ्स ऑर्बिट, और इस वुडन सैटेलाइट का नाम वीसा वुडसैट रखा गया है। इस सैटेलाइट को इस मंसूबे के साथ बनाया गया ताकि ईसा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये जान सके कि क्या आने वाले समय में हम स्पेसक्राफ्ट स्ट्रक्चर में वुडन मटेरियल यानी प्लाईवुड इस्तेमाल कर पाएंगे कि नहीं, और इस सैटेलाइट को एक्सट्रीम स्पेस कंडीशंस में एक्सपोज किया जाएगा ताकि पता चल सके कि वुडन मटेरियल स्पेस कंडीशंस जैसे हीट, कोल्ड, वैक्यूम और रेडिएशंस काफ़ी समय तक बर्दाश्त कर पाता है कि नहीं। इसे न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स के रॉकेट लैब में इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ 2021 के एंड तक स्पेस में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये सैटेलाइट फिनलैंड में डिज़ाइन और बनाई गई है, और ये तकरीबन 500 से 600 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे ऑर्बिट करेगा इन ए रफली पोलर सन सिंक्रोनियस ऑर्बिट। अगर इसके साइज़ की बात करें, वीसा वुडसैट 10x10x10 सेंटीमीटर के साइज़ में बनाया गया है। ये एक नैनो सैटेलाइट है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड बॉक्सेस से बने हैं, और इसके सरफेस पैनल्स प्लाईवुड से बनाए गए हैं, और ये सेम मटेरियल हैं जो हमें हार्डवेयर स्टोर से मिलते हैं और जिसे हम फर्नीचर बनाते हैं। डिज़ाइनर्स ने इस लकड़ी को यानी इस प्लाईवुड को खुश्क रखने के लिए थर्मल वैक्यूम चैम्बर में रखा है। उन्होंने लकड़ी से आने वाली बुखारात यानी वेपर को कम से कम करने और एटॉमिक ऑक्सीजन के इरोजिव इफेक्ट से बचाने के लिए इस लकड़ी पे इंतहाई पतली अल्मोनियम ऑक्साइड लेयर लगा के रखी है। वुडसेट के सिर्फ दो ही नॉन वुडन पार्ट्स हैं, एक कॉर्नर एल्युमिनियम रेल्स जो कि स्पेस में इसके तैनाती के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा पार्ट है मेटल सेल्फी स्टिक। इस सेल्फी स्टिक के साथ कैमरा लगा हुआ है जो कि इस वुडन सैटेलाइट की तस्वीरें ले सकता है और ये दिखा सकता है कि प्लाईवुड किस तरह से स्पेस में रिएक्ट और किस तरह से बिहेव कर रहा है। इट कैन ऑल्सो शो इफ देर इज एनी क्रैकिंग ऑन द प्लाईवुड और एनी कलर चेंजिंग एज द वुड इज एक्सपेक्टेड टू बी डार्कन्ड बाय द अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन ऑफ अनफिल्टर्ड सनलाइट। हमारी अर्थ ओजोन लेयर की वजह से हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन से प्रोटेक्टेड है, लेकिन स्पेस में इस सैटेलाइट को सूरज की अनफिल्टर्ड यूवी रेडिएशंस का सामना करना होगा। 12 जून को वीसा वुडसैट की पहली टेस्ट फ्लाइट हुई थी। इट वेंट विद अ वेदर बैलून टू अप्रॉक्सिमेटली 19 माइल्स अबव अर्थ सरफेस एंड इनटू स्ट्रेटोस्फीयर। इस टेस्ट फ्लाइट ने कार्बन लाइन को पार नहीं किया था। कार्बन लाइन एक बाउंड्री है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्पेस से सेपरेट करता है। अगर इस फ्लाइट ने कार्बन लाइन को पार नहीं किया, फिर भी इसके कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, कमांड रिस्पॉन्स, सेल्फी स्टिक कैमरा ये सारे पास हुए। द गुड थिंग इज दैट दे हैव मेड अ लो कॉस्ट डिवाइस दैट कुड फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ फर्दर यूजेस बोथ इन ऑर्बिट एंड डाउन ऑन द अर्थ। सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सैटेलाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।